इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप यहां पर भी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। आपको जो यहां पर वैकेंसी दी गई है ग्रुप सी यानी कि एमटीएस ड्राइवर एलडीसी प्लस, आपको यहां पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो यानी कि भारतीय तटरक्षक की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे यानी कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको जहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा। कितनी यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती में जाना होगा, कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट प्लस आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई ग्रुप सी और ग्रुप डी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है यानी कि आपको यहाँ पर ड्राइवर, सिविल मोटर ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, प्लस आपको यहाँ पर एमटीएस, एलडीसी, कारपेंटर, प्यून, प्लस आपको यहाँ पर माली की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5,200 से लेकर 25,500 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा यानी कि इतनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप आवेदन को पे भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके एज 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपके एज आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी वालों के लिए 18 से 28, एससीटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30, जो आपके यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, एससीटी वालों को 5 ईयर की दी जाएगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी केवल मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। और जो यहाँ पर हाइट नापी जाएगी ड्राइवर पोस्ट के लिए रहेगी, अदर पोस्ट के लिए कोई यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। हिंदी में जानकारी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 7 मिनट का समय भी दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट के जीरोक्स प्लस इनकी जानकारी होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, वो सिर्फ इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा एक पोस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद होगी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए भी यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। जो आपको यहां पर वैकेंसी की डिटेल है, कौन सी वैकेंसी के लिए टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है, क्या आपके यहां पर सैलरी दी जाएगी, उसकी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी, उसकी जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 10 अक्टूबर तक आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी
कर पाएंगे। आपको लिंक फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, इस वेबसाइट पर आ जाना है। आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इंग्लिश में होगा। आपको यहाँ पर यह वाला फॉर्म फिल करना होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो लगाना है। फोटो को आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। कौन सी वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अपना नेम फिल करना है, अपने पापा का नाम, अपने फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपको यहाँ पर करंट काउंट करके बतानी होगी। परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करने होगा। अगर आपके दोनों के दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर दोनों ही सेम फिल कर देने। अपने यहाँ पर कैटेगरी बतानी है, यानी कि यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको दे देनी है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी देनी है, प्लस उसकी जीरोक्स भी आपको देनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड कर लेनी है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करने के बाद जो एड्रेस होगा जहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म सेंड करना होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। आपको यहाँ पर मुंबई का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इस भर्ती फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। इस भर्ती फुल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आवेदन करने से पहले आप एक बार आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और सभी जानकारी आपको वहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।